सचिन पुरोहित। और बहुत अच्छा छोटा सा बेटा है, मैंने उसको सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं उसको इधर आमंत्रित कर रहा हूँ। और उसके तो बेटा सचिन पुरोहित आप ही के बीच का है और यही जालोर, कहाँ रहता बेटा? जालोर में ही कौन सी तहसील है? और तहसील का। और मैं कल शायद या परसों मैं सुन रहा था, कल तो जब इसको सुन रहा था तो मैंने कहा ये तो जो है इसकी भाव भंगिमाएं भाषा हमारे बहुत ही जो प्रिय कवि हैं हरिओम पवार, उससे इसकी भाषा इसके भाव इसकी कविताएं काफी जोशीली और इसका पूरा का पूरा छंद भी भाई हरिओम जी से मिलता हुआ था। और फिर मैंने इस बेटे को जब सुना तो मैंने सोचा कि मैं सबके बीच में और आस्था के माध्यम से करोड़ों लोगों तक भी इस बेटे की आवाज पहुंचे, तो एक बार जोरदार करता ध्वनि बेटी सचिन के लिए। इसने भारत स्वाभिमान के ऊपर अपनी एक रचना लिखी है, मैं चाहूंगा कि भारत स्वाभिमान के ऊपर जो इसके भाव इस छोटे से बच्चे के हृदय में दिल में विचारों में वो किस तरह से वो अंतर का स्वाभिमान घूमता है उमड़ता है और फिर पद्मेड़ा इस आनंद वन को लेकर के इस महातीर्थ को लेकर के भी इस छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो एक बार जोरदार करते हुए धरे के बीच इसको आमंत्रित करते हैं। अनुक्ताय भावता प्रभु चरण संसक्त हृदया अविज्ञात वीरा अति समर बुद्धस्तरिप समाजोद्वतार सुहित कर विज्ञान निपुणा नमस्ते वयोभ्या सकल सुजनेभ्य प्रतिदिनम् इदम् एकात्मता स्त्रोतम् श्रद्धयाय सदा पठेत् स राष्ट्र धर्म निष्ठावान अखंडम भारतम स्मरे। सर्वप्रथम मैं भारत माता के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए योग गुरु युग ऋषि भारत स्वाभिमान के प्रणेता स्वामी विवेकानंद के अवतार स्वामी रामदेव जी महाराज तथा श्री गोधाम महातीर्थ आनंदन पथ मेड़ा के संस्थापक व संरक्षक शांत चित्त साक्षात कृष्णावतार परम श्रद्धेय स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज व ब्रह्मधाम आशोत्रा के गादीपति बाल ब्रह्मचारी पीठाधीश्वर श्वेत वस्त्र धारी स्वामी श्री तुलसीराम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। कामधेनु क्रांति योग विज्ञान के इस शिविर के शुभ अवसर पर सम्मानीय संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए विराजमान समस्त राष्ट्रभक्त धर्म प्रेमी वो भक्त पवित्र आत्माओं को सचिन राजपुरोहित का विनीत प्रणाम और साथ ही साथ मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे आज इतने बड़े धर्म मंच पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया और स्वामी जी का सानिध्य व आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, मैं आज इतना कृतार्थ हो गया हूँ, धन्य हो गया। अभी हाल ही में जो मुंबई में आतंकवादी हमले हुए उसमें जिन देशभक्तों ने देश की माटी की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और शहीद हो गए उन वीर शहीदों को नमन करते हुए दो पंक्तियां समर्पित करता हूँ। हेमंत कर करे और सालसकर की शहादत अशोक कांटे जी की कुर्बानी को नमन है। हेमंत कर करे और सालसकर की शहादत अशोक कांटे जी की कुर्बानी को नमन है। और मुंबई की मातृभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो ताजू अब राय के जो होटलों में मारे गए उन सुर पुत्रों की निशानी को नमन है। और नमन करता हूँ मुंबई पुलिस और एनएचसी जवानों की कहानी को नमन एनएचसी जवानों की कहानी को नमन है। अब मैं स्वामी जी के सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और उसके पश्चात भारत स्वाभिमान पर एक रचना प्रस्तुत करूंगा। कि वो जिंदगी जिंदगी नहीं जो शहीद न हो भगत सिंह सुखदेव या हमीद न हो। वो मौत मौत नहीं जिसकी कोई याद न हो राजगुरु बिस्मिल या आजाद न हो। और वो नेता नेता नहीं जिसका विश्वास न हो गांधी पटेल या सुभाष न हो।
में कि कल्याण न हो, गीता बाइबल और कुरान न हो, और वो भारत भारत नहीं, वो भारत भारत नहीं जिसमें कि आन बान और शान न हो, बाबा रामदेव और भारत स्वा